एक और बड़ी खबर, झालावाड़ में बड़ा हादसा। स्कूली बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई है। बस में सवार थे करीब 24 से अधिक बच्चे। करीब 6 बच्चों को चोटें आई हैं। मिनी सचिवालय के सामने हादसा हुआ। लेसिया कॉटन स्कूल की ये बस बताई जा रही है और तस्वीरें भी इस दुर्घटनाग्रस्त बस की अब सामने आई है। बस जो की दुर्घटना का शिकार हुई है, डिवाइडर पर जा टकराई। क्या ये दुर्घटना रही और फिलहाल जो घायल बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति, इसकी जानकारी के साथ में झालावाड़ से सहयोगी आरिफ मंसूरी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ के हैं। आरिफ, देखिए, एक 24 बच्चों की स्कूली बस जो कि वहां से गुजर रही थी दुर्घटना का शिकार हुई है, क्या भी जानकारी, कैसे ये दुर्घटना हुई और बच्चों की क्या स्थिति जो जख्मी है? मामला झालावाड़ के मिनी सचिवालय का है, जहाँ पर अनियंत्रित बस होकर मिनी डिवाइडर से टकराया, जिसमें 2 दर्जन ऐसे बच्चे थे। लगातार दर्जन बच्चों को चोटें आई है। झालावाड़ के एसआरजी में अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ इनका इलाज जाने का हम बात कर रहे हैं। तो झालावाड़ के कोटे प्राइवेट स्कूल की बस बताई जा रही है, मिनी अपने बच्चों को लेकर अपने स्कूल की ओर जा रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ये मिनी सचिवालय के सामने डिवाइडर से टकराई थी। गाड़ी पलटने के बाद ये हादसा हुआ। बच्चे चीखे चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची बीजेपी पार्षद नाम जौहर ने एसपी कलेक्टर और पुलिस को फोन किया। इसके बाद मौके पर पुलिस कर्मी आने लोगों पहुंचे, बच्चों को बाहर निकाला। साथ ही सभी घायल बच्चों को झाड़ के एसआरजी अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ इनका इलाज जारी होगा। अरे, अब 6 बच्चे जख्मी है, आपने बताया कि सभी अभी स्टेबल है, उपचार कहाँ उनका जारी है, और जो अन्य बच्चे थे वो भी यकीनन इस हादसे के बाद छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, तो डर गए होंगे, पैनिक एक बारगी के लिए क्रिएट हो गया होगा वहाँ पर। ये सभी जो बच्चे हैं लगभग 10 छोटे 5 से 10 साल या 12 साल तक के बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे। छोटे बच्चे सवर्धन बच्चे, जब जैसे ही हादसा हुआ बच्चे का चीख पुकार सुनने लगी, बड़ी संख्या में जो बच्चे चिल्लाने लगे थे, लोगों को आते नहीं, सचिवालय के सामने जो लोग निकल रहे थे हादसे को देखकर एकदम चौंक गए। बड़ी संख्या में लोग दौड़े, मौके पर पहुंचे हुए बीजेपी पार्षद जो वहां से निकल गुजर रहे थे, तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ ही लोगों को इकट्ठा करके गाड़ी में से बच्चों को बाहर निकाला। लगातार ये 10 मिनट तक बच्चों को बाहर निकाला गया। तो जो घायल बच्चे थे उनको अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही जो बच्चे थे उनको बाहर निकाल के एक साइड खड़ा किया था। बच्चे काफी घबराए हुए हैं क्योंकि अभी छोटे बच्चों ने कभी, बिल्कुल आरिफ, देखिए ऐसे समय में जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बच्चों की हो तो सवाल यहाँ पर ड्राइवर से पूछे जाना भी लाजमी है। स्कूल बस का ड्राइवर था, एहतियातन उसे गाड़ी ठीक से चलानी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण रहे कि गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, कोई तकनीकी खामी या फिर तेज रफ्तार में थी? देखिए, जैसा मामला बताया जा रहा है, जिस मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, गाड़ी काफी तेज गति से आ रही थी, अचानक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकराई। अब हालांकि इस मामले में पुलिस तफ्तीश करेगी, क्या मामला क्या है, गाड़ी क्यों टकराई है। पुलिस मौका, पुलिस अभी सबसे पहले जो कलेक्टर और एसपी है शाम को भी सूचना मिलने के बाद तुरंत से एसपी या अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, तब घायल बच्चों का हाल जानने के लिए। हालांकि सबसे बड़ी खास बात यह है, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तमाम जानकारी के लिए।